हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर हरतालिका तीज की पूजा विधि का वीडियो भी देख पाएंगे। तो चलिए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, मैं उसी का तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया यानी तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से सब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बालकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था। 12 वर्ष तक तुमने जल में रहकर तथा बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करते रहे। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पर दैवयोग से वही ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी आए। देवर्षि नारद ने तुम शैल पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ पाद आसन देकर सम्मानित सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए तो गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बर धारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। लेकिन पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देख सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चले जाओ। तब हे पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनते ही वन को चली गयी। पिता हिमालय ने तुमको घर में ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा।
हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने से कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात, हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुँचे। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालों का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करते रहे। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम थी। जहाँ तुम और सखी दोनों थी, वहीं मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो महादेव जी आप ही मेरे पति हो। और मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण भी किया। इतने में ही तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं सहित तुम्हें देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। और वे तुम्हें लेकर घर को आ गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम क्यों हरतालिका तीज पड़ा। तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर बोले, इस व्रत को स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनाइए। तब भगवान शंकर जी बोले कि हे देवी, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदन वारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगा दें और रात्रि का जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याणी, तुम्हें नमस्कार है। हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आपको सदैव नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से तुम्हारा पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए।
इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करें। विधि पूर्वक इस कथा को सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें और इस प्रकार व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और माता गौरी भगवान भोलेनाथ सौभाग्य की आयु लंबी होने का वरदान देते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो गौरी माता की जय।